वेंडर वो किए ये वेंडर लोगों के लिए अलग से कुछ दिया हां भाई भैया लेते आप लोग वेंडर हो हां भाई ठीक अरे ए मार दल गए हो महाराज मार दल गए हो को बचावा ना हो भैया हां इधर व्यसन इधर व्यसन क्या मारा ओ चरी दिव उठे प्यासी जाए याद सताई अनाज क्या चीज है ये हमें तब पता चलता है जब हमारा पेट खाली हो है किसी में हिम्मत हमको यहाँ से हटा के दिखाए हम यही रहेंगे जय हिंद महाराज। फिलहाल मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ कोलकाता के सियालदह रेलवे स्टेशन से और आज चलिए चलते हैं यहाँ से सहरसा। सफ़र करेंगे सियालदह और सहरसा के बीच चलने वाली डेली ट्रेन हाटे बाजारे एक्सप्रेस में जो कि वीक में दो दिन मंगलवार और बृहस्पतिवार को जाती है पूर्णिया के रास्ते सहरसा और बाकी के पाँच दिन जाती है मानसी होके सहरसा। हमारी वाली है 13169 हाटे बाजारे एक्सप्रेस वाया पूर्णिया, यानी आज हम जाएंगे पूर्णिया होके ना हो। चलिए शुरू करते हैं सफ़र को। सफ़र करेंगे स्लीपर कोच में, मेरा S8 कोच में 55 नंबर, यानी हम सभी का फेवरेट साइड लेवर सीट है। बोलो महाराज, बोलिए जय हो बिहार, जय हो बिहार। कुछ ऐसा है इस गाड़ी का स्लीपर कोच का इंटीरियर, देख लीजिए साफ़ सफाई काफ़ी अच्छा है। और ये वाला मेरा सीट है 55 साइड लोअर। और वहाँ की ट्रेन की टाइमिंग की बात की जाए तो ये हाटे बाजारे एक्सप्रेस सियालदह चलेगी रात 9:15 पे और अगले दिन हमें सुबह 12:20 तक पहुँचा देगी सहरसा अगर राइट टाइम रही तो, यानी लगभग 560 किलोमीटर की इस दूरी को हम तय करेंगे पूरा पूरी 15 घंटे में। और ये सभी अपने को पैसेंजर है, जय हो महाराज। सभी बिहार के ही हैं, कुछ बिहार के हैं, कुछ बंगाल के हैं, बिहार बंगाल भाई भाई। और वहाँ की हाटे बाजारे एक्सप्रेस की कोच कंपोजिशन की बात की जाए तो देखिए टोटल 19 कोच की ये ट्रेन है जिसमें दो जनरल आगे हैं, दो जनरल पीछे हैं, एक SLR आगे है और एक SLR पीछे है। इसके अलावा 8 स्लीपर कोच है, 4 थर्ड AC है और 1 सेकेंड AC भी है। अलग से कोई पेंट्री कार्ड नहीं दिया हुआ है, साइड पेंट्री होगा तो होगा। कहो भैया, इस गाड़ी में ज़्यादातर जो पैसेंजर हैं वो कटिहार तक ही है ना हो। आप कहाँ जी? पूर्णिया, सहरसा। चलिए फिलहाल टाइम हो चुका है, रात के 9:15 बज चुके हैं और निकल चुकी है हमारी हाटे बाजारे सियालदह से सहरसा के लिए। बाकी अभी रुकेगी निहट्टी, फिर बैंडल। इस गाड़ी का स्टॉप काफ़ी ज़्यादा है सियालदह से सहरसा के बीच, इसकी टोटल 23 स्टॉप हैं। रात को 12 बजे तक जितने भी स्टॉप होंगे सबको कवर करेंगे। चांद के पार चलो। तो भैया महाराज, ये है हमारी हाटे बाजारे एक्सप्रेस की पहली स्टॉप जो कि है निहट्टी जंक्शन, जो कि आता है पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में। और जंक्शन पॉइंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ से आप रानाघाट, कृष्णा नगर सिटी, मुर्शिदाबाद के रास्ते लाल गोला भी जा सकते हैं। कि हमारी हाटे बाजारे आई है निहट्टी के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे गाड़ी। बाकी निहट्टी जंक्शन से ही आपको दिखाते हैं इस हाटे बाजारे एक्सप्रेस के जनरल कोच। अरे आप कौन सा स्टाफ है? आप कौन सा स्टाफ है? आप कौन सा स्टाफ है? गार्ड बोगी है? गार्ड कहाँ है बोगी में? हम आपको आगे बोले थे ना गेट नहीं खोलिए, बोले भैया गेट तो खोलना ही होगा, आगे और ट्रेन जाम होने वाला है। अलग से कुछ दिया आप लोग वेंडर हो? आप लोग वेंडर हैं? हम भी 10 वेंडर चलता है, सिखाओ नहीं यहाँ पे, ठीक ना भाई? हम किसी को सिखाने के लिए नहीं, हम सिखा रहे हैं। आप ही ना बोल रहे हो कि स्टाफ होगी है, आप ही ना बोल रहे हो स्टाफ होगी है। आप ही ना बोल रहे हो स्टाफ होगी है, मेरे पास टिकी बुबा निकाल दीजिए आप। अरे यार तुम बहसबाजी कर रहे हो, आप निकाल दीजिए स्टाफ है। नहीं काम करो, हम बहसबाजी नहीं कर रहे हैं, हम बहसबाजी नहीं कर रहे हैं। चलो साथ में फिर वही बात बोल रहे हैं, हम एक महिला को सीट दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? इन्होंने शांति रहेंगे, हम एक महिला को सीट दे रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं स्टाफ बोगी है, वेंडर बोगी है, गार्ड बोगी है, पुलिस बोगी है, CISF बोगी है, RPF बोगी है, ये सब बात है। टिकट भी है मेरे पास, दोनों चीज है मेरे पास, की वजह से यहाँ पे अरे रहने दीजिए, सब अच्छे यहाँ पे है भैया। हमारा किसी माँ बहन को सीट देने की लड़ाई करना बहसबाजी नहीं होता है। नहीं देने के मतलब बाबू, मैंने आपको उठाया, आप दोनों को बताइए, आप दोनों को हम लोग ने बोला कि आपको लेडीज बोगी में जाना है, टिकट भी था, पास है, ये सब उनको पता ही नहीं होता है। अच्छा,
ये रात के 10:30 बज चुके हैं और बैंडल पहुंच चुके हैं। फिलहाल चलते हैं हम अपने सीट पे और ट्रेन के अंदर आपने देखा ही, मतलब चलिए फिलहाल निकल चुके हैं बैंडल से। मतलब सेल्फ अंडरस्टैंडिंग हमें कोई चीज़ ही नहीं है। दीदी समान महिला है तो बैठने दिया जाए तो नहीं, स्टाफ है, स्टाफ है रेलवे, ये बोगी है, गार्ड बोगी है, ये अपनी भारत रेलवे की बहुत ही गंभीर समस्या है। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। नवद्वीप धाम रेलवे स्टेशन, यह टाइम हो रहा है 11:30 बज चुके हैं और हमारी हाटे बाजारे पहुंच चुकी है नवद्वीप धाम। ये नवद्वीप धाम आता है पश्चिम बंगाल के नदिया ज़िले में और ये एक टूरिस्ट स्पॉट भी इसे बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ घूमने फिरने के लिए। यहाँ से मायापुर पास में ही है और ये अपने चैतन्य महाप्रभु जी की जन्मभूमि भी है। मायापुर आपको जाना है तो नवद्वीप धाम काफ़ी नज़दीकी रेलवे स्टेशन पड़ेगा। कृष्णानगर सिटी भी है, ये भी नज़दीक है। बाकी यहाँ पर आइए घूमने फिरने के लिए, काफ़ी अच्छी जगह है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर मायापुर में मौजूद है जो कि यहाँ से पास में ही है। हमारी हाटे वगैरह निकल चुकी है नवद्वीप धाम से। अब ये रुकेगी काटवा जंक्शन, जहाँ से एक लाइन जाती है बर्दवान की ओर और एक लाइन आगे से अहमदनगर सैंथिया के रास्ते रामपुर हाट में जाकर मिल जाती है। देखिए रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है इसीलिए अब सीधा मिलते हैं आपसे कटिहार में। ये समय है 7:10 और हमारी सियालदा सहरसा हाटे बाजारी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है कटिहार जंक्शन। इसका यहाँ आने टाइम था 7:50 पे, लेकिन गाड़ी आई है 40 मिनट बिफोर और इसका यहाँ 20 मिनट का स्टॉप भी है। यानी लगभग ये ट्रेन समझ लीजिए 1 घंटा यहाँ रुकने वाली है। और ये पुरने वाली हाटे बाजारी एक्सप्रेस है इसीलिए इस गाड़ी का यहाँ रेक रिवर्सल भी होगा। यानी ये ट्रेन यहाँ से अब उल्टी दिशा में जाएगी, पूर्णिया बनमनखी मधेपुरा के रास्ते सहरसा की ओर। यह सीमांचल एक्सप्रेस जो कि आनंद विहार दिल्ली से पूर्णिया होते हुए जोगबनी जाती है। सीमांचल एक्सप्रेस आनंद विहार जोगबनी। कुल्हड़ वाला चाय कितना करके दीजिए तो एक को दीजिए ना। जय हो कुल्हड़ वाला चाय। धन्यवाद चाचा। कभी आप लोग कटिहार आइएगा तो यहाँ का कुल्हड़ वाला चाय जरूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ का बहुत ही फेमस है, यहाँ का चाय और यहाँ का दही कोई जवाब नहीं है। बाकी यहाँ आपको रहने के लिए रूम भी मिल जाएगा डॉर्मेट्री मात्र 80 रुपये में 24 घंटे के लिए, लेकिन उसके लिए आपके पास कंफर्म टिकट होना चाहिए। कड़क है, देख लीजिए पूरा का पूरा कोच जो है वो खाली हो चुका है। ये रहा हमारा सीट, पूरा खाली पड़ा हुआ है। चाय पीबो भैया, चाय पीबो। यहाँ खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है और गाड़ी के यहाँ 1 घंटे का स्टॉप है तो आप जो चाहे खा सकते हैं, बाहर भी जाकर कुछ खरीद सकते हैं। बाकी भैया इस गाड़ी का टिकट तो मेरा है पूरा सहरसा तक, लेकिन पूरा ट्रेन खाली हो चुका है तो मज़ा नहीं आ रहा है। 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है कवि गुरु एक्सप्रेस जो कि कामाख्या से उदयपुर जाती है। अब आपको थोड़ा सा ही सही इस गाड़ी का जर्नी दिखाते हैं। हमारी हाटे बाजारी एक्सप्रेस आई थी कटिहार के 2 नंबर पे और कवि गुरु आई है 5 नंबर पे। ये रही भैया अपनी कवि गुरु एक्सप्रेस, लगी हुई है कटिहार के 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे। चलिए हमारी कवि गुरु भी खुलने के लिए तैयार है कटिहार जंक्शन से। इसका जर्नल को सबसे आगे की ओर है। जय हो कवि गुरु। थोड़ा बैठने दो भाई हमें भी। चलिए फाइनली हमारी कवि गुरु निकल चुकी है कटिहार जंक्शन से। कवि गुरु एक्सप्रेस कामाख्या उदयपुर। प्यार से जाइए भैया, प्यार से जाइए, प्यार में बहुत ताकत है, इससे बड़ी कोई चीज होती नहीं है। हे भैया छोड़ दो हे भैया हे हो अरे भैया छोड़ दो, हे होने मारा है महाराज। अरे भैया मार दल गए हो महाराज, मार दल गए हो, को बचाव न हो भैया, हो बाबू मार दल गए, एगो सीट के लिए मार दल गए हो बाबू। हे बाबू है हो, अरे बाप रे गिर जाइएगा, आप लोग गिर जाइएगा, गिर जाइएगा, गिर जाइएगा, अरे गिर जाइएगा, गिर जाइएगा। अरे लात मत मारिए, लात मना है। अरे अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप। तो भैया महाराज यहाँ WWE शुरू हो चुका है, एक है रोमन रेंज और एक है जॉन सीना। भाई आप छोड़ दो, आप छोड़ दो, हो गया थोड़ा बुझा तो साला नीतीश वो ना करता कुछ। अच्छा हो गया, हो गया साला, छोड़िए ना साला।
ये जीजा है, ये साला है, दोनों की सजा रहे ना आप लोग। अरे आप लोग छोड़ दिए। अच्छा छोड़ दो, हो गया बाबू, छोड़ दो, हो गया। बैठ के जाने का रास्ता है ना, वो लग गया से वो आदमी बैठ रहा है, तो बोला हम नहीं बैठने देंगे किसी को, और कुछ नहीं, सही बात है, सही बात है। तुम क्या बोल रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो, मैंने बैठने का नहीं देखा, मैं हट गया हूं, तो भैया कवि गुरु एक्सप्रेस में आते ही हमें एक्शन देखने के लिए मिला, और एक ताबड़तोड़ एक्शन के बाद अब थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी आप लोग करा देते हैं। ये लोग कम से कम पैसा मांगते हैं, लेकिन पैसेंजरों को इंटरटेन करते हैं अपने गानों के द्वारा। बाकी अपने बहन को देख सकते हैं, इस बहन ने अपने बच्चों को भी गोद लिया है, देख लीजिए। पैसा कमाने के लिए, मतलब पेट भरने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। काकी माँ, आपका बहन चला गया, दिए पैसा 50 टका। नहीं, कम से कम बुजुर्ग को बैठने देना चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग है ना, चचा समान बाबा जी हैं, तो कम से कम। अरे ट्रेन का यही हाल है, हम लोग के दादा का उम्र का, वही ना, हम लोग अरे गाड़ी का यही हाल है, सीटों के लिए जब बैठे जाते हैं ना, हम लोगों से ज्यादा बुजुर्ग कोई आ जाते हैं तो उसको हम उठ जाते हैं, बुजुर्ग को बैठा देते हैं, भैया बैठो। अरे इससे पहले जो हम ट्रेन में थे ना, क्या नाम है इसका, हाट बाजार एक्सप्रेस, उस गाड़ी में क्या हुआ कि एक महिला को बैठने नहीं दिया जा रहा है, और जो लड़के लोग हैं ना, वो बोल रहे हैं कि हम रेलवे स्टाफ है, ये रेलवे डब्बा है, हम नहीं बैठने देंगे। क्या बोलिएगा, हर एक घर की एक भारत, मतलब आपका स्लीपर टिकट है, और आपने उस लड़की को अपने सीट पे बैठा के खुद जनरल कोच में आ गए, उसका जनरल टिकट लेके हम इधर। अरे भैया आप तो महान है, वो आपको तो महाराज अवार्ड मिलना चाहिए, पद्मश्री अवार्ड नहीं, नेक दिल है ये, सही बात है। ये हमारी कवि गुरु एक्सप्रेस पार कर चुकी है कुरसेला रेलवे स्टेशन, अब जो है हम कोसी नदी के ऊपर बना एक लंबा चौड़ा ब्रिज को पार करेंगे ना भैया, हो ये भैया को तो आप पहचानते ही हैं, कोसी नदी तो होगा ही। ओहो, उस तरफ एक ट्रेन जा रही है, देख लीजिए कितना कौन सी गाड़ी है आपने बताइए, राजधानी एक्सप्रेस, उस ओर जा रही है नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस। इस तरफ के आप घर देख लीजिए, ज़्यादातर घर जो है वो बाढ़ के पानी से प्रभावित है, इसलिए देखिए इस और ज़्यादातर पक्का वाला घर आपको नज़र नहीं आएगा, इस तरह के घर नज़र आएंगे। फिलहाल गाड़ी हमारी पहुंच चुकी है नवगछिया रेलवे स्टेशन, ये नवगछिया को बिहार का केलांचल ही बोला जाता है, क्योंकि यहाँ केले की खेती बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, और आप यहाँ से भागलपुर भी जा सकते हैं, यहाँ से भागलपुर काफ़ी नज़दीक है, आधा घंटे का रास्ता है, आधा पौने घंटा का, अगर आप टेम्पो जाइएगा तो 50 रुपये देने पड़ेंगे, और बस जाइएगा तो भी 50 रुपये देने पड़ेंगे, दोनों का ही 50 रुपये लगेगा। एक के बार चाची खगड़िया, एक के बार खगड़िया एक्सप्रेस छिके नहीं, नहीं भैया 9 बजे 9 बजे एक बाद काकी माँ हम यो खाबो तुम अकेला अकेला खा छो काकी माँ चावल दाल नौगछिया में कितनी केले की खेती होती है ये आपको अब देखने के लिए मिलेगा। देख लीजिए भैया महाराज, जहाँ तक नजर जा रही है केवल केले के ही बगान नजर आ रहे हैं, ये सभी केले की खेती हो रही है यहाँ,
केवल केला ही केला इसे आपको देने के लिए मिलेगा। अनाज क्या चीज़ है ये हमें तब पता चलता है जब हमारा पेट खाली हो। मतलब एक कहावत है ना, जो इंसान लोगों का पेट भरता है उससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है। काकी माँ आप अकेले के लिए खाली है ना काकी माँ? ना काकी माँ एम नहीं बोल रहा हूँ काकी माँ, अभी एम नहीं बोल रहा हूँ। काकी माँ जा रहे हैं वृंदावन, बहुत सारे लोग हैं इस जनरल कोच में जो कि वृंदावन जा रहे हैं, क्योंकि ये जो ट्रेन है ये मथुरा होते हुए राजस्थान जाती है उदयपुर। बहुत सारे लोग जो हैं वो सत्संगी भी हैं। इस रूट में दो लड़कियां आपको हमेशा मिलेगी जो कि आएगी आपसे चंदा मांगने के लिए और बोलेगी कि मेरा शादी नहीं हो रहा है इसलिए हम चंदा मांग रहे हैं। मतलब साल भर से इन लोगों को देख रहे हैं, ये लोग चंदा ही मांग रही है लेकिन शादी अभी तक नहीं की है। हाँ सब चालबाज है, हाँ सब चालबाज है, सालों भर से इन लोगों को देख रहे हैं, चंदा मांग रही है केवल शादी के लिए लेकिन आज तक किया नहीं है। ए काकी माँ केनो चीज चाशीस आपनी ए काकी माँ केनो चीज चाशीस आपनी इस गाड़ी में अपने बहुत सारे जो लोग हैं वो वृंदावन जा रहे हैं, सभी सत्संगी लोग हैं और ये जो चाची है महारानी ये सभी को लात मार रही है, सभी को लात मार रही है। लात कहे मारिएगा, सभी जा रहा है सत्संग जा रहा है ना, लात मारिएगा काकी माँ, लात मारिएगा, लात मारिएगा। आपको नहीं दिखा रहे हैं, आपको नहीं दिखा रहे हैं, आपसे मतलब अरे ये सब ही सत्संगी आदमी है ना, इसको लात मारिएगा। माँ समान से भी चाची है, ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़िए समझे, ये सभी जो है ना सत्संगी आदमी है। लात अगर लग जाता है गलती से भी तो सॉरी बोल दीजिए, SORRY सॉरी। हम कहाँ जाएंगे, हम यही रहेंगे, है किसी में हिम्मत हमको यहाँ से हटा के दिखाए, हम यही रहेंगे। बताइए कैसे कैसे लोग सफर करता है इस ट्रेन में, गलती किसी का भी हो अगर हम आपका पैर छू ले कर लीजिए प्रणाम करिए आपको, क्या हम छोटा हो गए? बताइए हम छोटा हो गए? हम अपना काम ही कर रहे हैं, यही मेरा काम है, हम अपना काम ही कर रहे हैं। ये जो कवि गुरु एक्सप्रेस है ना, इसमें कोई कवि है ना इसमें कोई गुरु है, इसमें केवल एकदम WWE का फाइटर आ गया है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। स्किप मार रही है मानसी जंक्शन, जहाँ से आप सहरसा की ओर जा सकते हैं, गाड़ी का यहाँ स्टॉप नहीं है। मानसी जंक्शन नहीं रुकेगी हो भैया, मानसी जंक्शन। पार हो गई मानसी जंक्शन, मानसी में बहुत सारे पैसेंजर उतरने वाले थे, इसे माँ कात्यायनी मंदिर जाना था क्योंकि आज शुक्रवार है, माता कात्यायनी मंदिर जो कि धमारा घाट के पास है, बहुत ही फेमस मंदिर है, शुक्रवार के दिन वहाँ लोग ज़्यादा जाते हैं दर्शन करने के लिए। सुबह के 9:54 हो चुके हैं, असली मार्केट बना है इस गाड़ी का खगड़िया में। पहले उतरल दहो चाची, हे चाची के माय, अरे पहले उतरल दहो ना हे चाची, कैसे कैसे सब करे छे पागल जैसे बताओ तो, उतरल दे गे मामा। यह खगड़िया पहुंच चुके हैं हम और इस कवि गुरु एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी को करते हैं यहीं समाप्त। जाना था सहरसा, पहुंच गए खगड़िया, वैसे सहरसा से फिर हम खगड़िया ही आते। उम्मीद करता हूं हाटे बाजार एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी और इस कवि गुरु एक्सप्रेस की एक शॉर्ट जर्नी आपको पसंद आई होगी, कभी इसका फुल जर्नी भी करेंगे, बड़ा ही रोमांचकारी ट्रेन है ये। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट ट्रेन जर्नी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, जय हिंद। खगड़िया तक ये गाड़ी खाली ही आ रही थी लेकिन खगड़िया में देख लीजिए लगभग ये ट्रेन पूरा पैक हो चुकी है, असली मार्केट यहीं बना है खगड़िया में।